नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो हमें गौतम बुद्धा की अद्भुत शिक्षा से परिचित कराती है। एक किसान अपनी चिंताओं से परेशान होकर बुद्धा से पूछता है कि वह चिंता करना कैसे बंद कर सकता है। बुद्धा के जवाब में छिपा है एक गहरा संदेश जो हमें सिखाता है कि चिंता और इच्छाओं का क्या संबंध है और कैसे हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर शांति पा सकते हैं। आइए इस कहानी से सीखें कि कैसे हम अपने जीवन में चिंता मुक्त होकर जी सकते हैं। एक किसान ने गौतम बुद्धा से पूछा, हे महात्मा, मैं चिंता करना कैसे बंद कर सकता हूँ? मैं बहुत समय से चिंतित हूँ क्योंकि मेरी सारी फसलें बारिश की कमी के कारण सूख रही हैं। इसलिए मैं हमेशा इस बात की चिंता करता हूँ कि बारिश होगी या नहीं। अगर बारिश नहीं हुई तो मेरी पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। गौतम बुद्धा मुस्कुराए और बोले, बारिश का तुम्हारी चिंता से क्या लेना देना है? चाहे तुम कितना भी चिंता करो या सोचो, क्या तुम्हारी चिंता या सोचने से बारिश हो जाएगी? किसान ने जवाब दिया, नहीं। फिर बुद्धा ने कहा, तो फिर तुम अनावश्यक रूप से क्यों चिंता कर रहे हो? बुद्धा ने आगे समझाया, चिंता का संबंध इच्छा से होता है। अगर तुम्हारी कोई इच्छा है और वह पूरी नहीं होती तो तुम चिंता करने लगते हो। इसलिए अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करो। जब इच्छाएं कम हो जाती हैं तो चिंता भी अपने आप कम हो जाएगी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह समझ आया कि जब हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं तो हमारी चिंताएं अपने आप कम हो जाती हैं। गौतम बुद्धा की यह शिक्षा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी पहले थी। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ध्यान रखें और शांति से जिएं। धन्यवाद।